नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। मौसम शुरुआत कर रहे हैं नरसिंहपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां नरसिंहपुर में सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया है स्कूल में बच्ची से दुष्कर्म मामले का विरोध जताने के लिए। यहां पर यह प्रदर्शन किया गया है। पीड़ित परिवार को मदद देने की मांग की जा रही है। मामले में अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो नरसिंहपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां सामाजिक संगठन सड़क पर उतरे अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। एक बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में विरोध दर्ज करवाने के लिए यहां पर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है नरसिंहपुर में। और साथ ही पीड़ित परिवार को मदद देने की मांग भी इस प्रदर्शन के जरिए की गई है। तो बड़ी खबर आपको नरसिंहपुर से बता रहे हैं। आशीष जैन हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, बड़ी संख्या में यहां पर लोग सड़क पर उतरे हैं, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। क्या मांग मुख्य तौर पर की गई और क्या कोई आश्वासन मिला है? जी, मैं बता दूं कि इस मामले में 2 दिन पहले 2 जो निजी स्कूल के कर्मचारी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद आज सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया है, सड़क पे मौन जुलूस निकाला है और ज्ञापन सौंपा है पुलिस को। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उन्हें भी अरेस्ट कर लिया है। और परिवार वालों कहीं ना कहीं सारे मामले को लेकर मांग है कि जो पीड़ित परिजन हैं उन्हें मुआवजा मिले या उन्हें किसी प्रकार की राहत मिले, साथ ही कठोर कार्रवाई की मांग की है। तो इस पे अभी पुलिस ने कठोर कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल को तो अरेस्ट कर लिया है, लेकिन अब आगे जो कार्रवाई की जानी उसके लिए एसडीओपी पुलिस और पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं इस बात पे चर्चा है कि आगे होने वाली जो कार्रवाई है कुछ समय बाद साफ हो पाएगी। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां कोलार क्षेत्र में युवक की लाश मिली। हत्या कर शव को जला देने का आरोप है। एक हफ्ते से घर से गायब था युवक। परिवार वालों ने लापता होने का मामला दर्ज कराया था। प्रेम प्रसंग के मामले में हत्या की आशंका परिवार की ओर से जताई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलार क्षेत्र में युवक का शव मिला है। एक हफ्ते से युवक गायब था। परिवार वालों ने हत्या कर शव को जला देने की आशंका जाहिर की है। तो आरोप है कि पहले हत्या की गई, उसके बाद शव को जला दिया गया ताकि शव की शिनाख्त ना की जा सके। युवक जो है वो एक हफ्ते से अपने घर से गायब था। परिवार ने युवक की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया हुआ था। प्रेम प्रसंग में हत्या की गई है ऐसा शुरुआती जांच में माना जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलार क्षेत्र में पुलिस की गाड़ियां, आसपास के लोगों के बीच जो अफरा तफरी है वो बता रहा है कि किस तरह से यहां पर एक बड़ी वारदात हुई है। एक शव मिला, जली हुई हालत में मिला। जो शव मिला जिस युवक का, वो युवक एक हफ्ते से गायब था। शैलेंद्र भदौरिया हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या कहना है परिवार का और पुलिस शव मिलने के बाद क्या कह रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि 7 दिन पहले युवक युवती से मिलने के लिए घर से निकला था। तब से लगातार ये गुम था और घर वालों ने बकायदे इसकी शिकायत जो है पुलिस में की थी। पुलिस भी लगातार पूछताछ कर रही थी और आसपास पतारसी का प्रयास किया जा रहा था। उसी समय पुलिस को ये पता चला कि एक संदेही युवक है जिसने उसकी हत्या या उसकी गुमशुदगी में उसका हाथ हो सकता है। जब पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और पूछताछ की तो पता चला कि जिस युवक पर हत्या का आरोप है उस युवक की बहन से जो आरोप मृतक है वो प्रेम करता था और प्रेम प्रसंग के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और हत्या के बाद उसके शव को जलाया भी गया। जलाने के बाद उसको जमीन गया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने वहां पहुंचकर सबको बाहर निकाला है। अजली अवस्था में यह सब मिला है। पुलिस आगे के मामले की जांच करने में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं जहां एक युवक की जान रफ्तार ने ले ली। कार सवार 2 की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। स्पीड ब्रेकर से उछली कार हवा में उड़कर दीवार से जा टकराई कार। शिवाजी नगर चौराहे पर यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, रफ्तार ने युवक की जान ली है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं, 2 की मौत हुई है। स्पीड ब्रेकर से उछलने के बाद कार एक दीवार से जा टकराई। शिवाजी नगर चौराहे पर यह हादसा हुआ है। अगली बड़ी खबर रीवा से जहां अवैध रेत का खनन जारी है।
त्योंधर तहसील में टमस और बेलन नदी का सीना रेत माफिया छलनी कर रहे हैं। मशीनों से बरुआ, तमसा, आरती घाट, बाबूपुर चिल्ला सहित एक दर्जन से ज्यादा घाटों में अवैध रेत खनन हो रहा है। नाव और ट्रैक्टर से एमपी से खनन कर रेत को यूपी भेजा जा रहा है, तो वहीं प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं करने के आरोप लग रहे हैं। खबर अनूपपुर से है, जहां युवक की मौत के मामले में हंगामा हुआ। गांव वालों ने नेशनल हाईवे 43 पर शव रखकर चक्का जाम किया। चक्का जाम से लंबा जाम यहां लग गया। गांव वालों का आरोप है कि यात्री प्रतीक्षालय से हादसे होते हैं, जिससे भिंड में भी बदमाश बेखौफ है। यहां बदमाशों ने दिनदहाड़े फायरिंग की है। गोलियों की आवाज सुनकर राहगीरों में भगदड़ मच गई, इलाके में दहशत फैल गई। फायरिंग की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिससे बदमाश बेखौफ फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना लाहार चौराहे की है। भिंड में दिनदहाड़े फायरिंग हुई है। फायरिंग की घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है, और इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से यहां पर दिन दहाड़े फायरिंग हो रही है। ये देखिए, यहां भागते हुए लोग जो अपनी जान बचाते हुए दिख रहे हैं, और लाल रंग के कपड़ों में जो शख्स दिख रहा है उसने वहां पर फायरिंग की है। और ये भिंड की तस्वीरें हैं, लाहार चौक में। ये देखिए किस तरह से खुलेआम दिन दहाड़े यहां पर बंदूक चलाने में भी इन्हें डर नहीं है, लेकिन लोग दहशत में हैं। तो भिंड में दिनदहाड़े फायरिंग की घटना के बाद आसपास रहने वाले लोग डरे हुए हैं। जो व्यापारी हैं वो दहशत में हैं। अब इस फुटेज के सहारे पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। मुरैना में गैंगरेप के मामले में जिला कोर्ट ने तीन दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई। दोषियों में दो सगे भाई हैं। मामला 2018 का है। पीड़ित घर में अकेली थी, तब दोषियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। तो गैंगरेप मामले में जिला कोर्ट ने तीन दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। तीन दोषी हैं, जिनमें से दो सगे भाई हैं। 2018 का मामला है, जब पीड़ित घर में अकेली थी तो उसके साथ इन लोगों ने रेप किया था। तो रेप के इस मामले में सजा सुनाई गई है, 20-20 साल की सजा अदालत ने सुनाई है। बुरहानपुर में चोरी करने आए चोर को खाली हाथ लौटना पड़ा। नावरा गांव के सहकारी बैंक में चोर घुस आया। जैसे ही चोर ने लॉकर से छेड़खानी की तो अलार्म बज गया, जिसके बाद चोर मौके से भाग निकला और उसकी कोशिश नाकाम हो गई। शातिर चोर ने फिंगरप्रिंट और पहचान छिपाने के लिए हाथों में ग्लव्स, मुंह पर नकाब और काला लिबास पहना हुआ था। चोर की एंट्री से लेकर एग्जिट तक की घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। अब पुलिस इस फुटेज के सहारे चोर को पकड़ने की बात कह रही है। आप देख सकते हैं, जैसे ही इसने यहां पर चोरी करने की कोशिश की, वहां पर अलार्म बज गया, जिसके बाद इसे खाली हाथ ही भागना पड़ा। तो वक्त रहते अलार्म बज गया, जिसकी वजह से यहां पर जो चोर था वो अपने मंसूबे में नाकाम हो गया, वहां से भाग निकला। बुरहानपुर में तेज रफ्तार कंटेनर ने मजदूरों से भरी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें 13 मजदूर जख्मी हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पूरा मामला इंदौर इच्छापुर हाईवे पर झिरी गांव का है। सभी मजदूर सूखता गांव से बुरहानपुर शहर में मजदूरी करने जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार कंटेनर की चपेट में आ गए।
भोपाल के शाहपुरा क्षेत्र में बदमाशों ने कहर बरपाया, दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। हबीबगंज की एफआरबी पर भी हमला। इतना ही नहीं, बेखौफ बदमाशों ने हेड कांस्टेबल तक पर हमला किया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है बदमाश कैसे उत्पात मचा रहे हैं। इन्हें पुलिस का जरा भी डर नहीं है। दर्जनों गाड़ियों में बदमाशों ने तोड़फोड़ की है, वो आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर तोड़फोड़ का ये वीडियो अब सामने आ गया है, लेकिन ये दिखा रहा है कि किस तरह से ये बेखौफ होकर यहाँ गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। जरा भी इनमें पकड़े जाने का खौफ नहीं है। दर्जनों गाड़ियों को बदमाशों ने अपनी इन्हीं हरकतों से नुकसान पहुंचाया है, तोड़फोड़ की गई है, और जिस तरह ये जुलूस पे निकले हैं उनसे इनकी नीयत साफ जाहिर हो रही कि मकसद था लोगों में दहशत पैदा करना। हबीबगंज की एफआरबी पर भी इन्होंने हमला किया है। हेड कांस्टेबल महेंद्र शर्मा पर भी हमला किया है। दर्जनों गाड़ियों में बदमाशों ने किस तरह से तोड़फोड़ की है, वो आपको इस वीडियो फुटेज के जरिए दिख रहा होगा। गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, मकसद दहशत पैदा करना था, जिसमें काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। साफ नजर आ रहा है पुलिस का जरा भी डर इनमें नहीं है। और अब आपको इंदौर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां कैफे में गाना बजाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दो बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ की, युवक की बेल्ट और डंडे से पिटाई की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। तो इंदौर की तस्वीरें, जहां कैफे में गाना बजाने को लेकर जोरदार हंगामा हुआ है। दो बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ की है, युवक को बेल्ट और डंडे से पीटा गया है। जैसे ही घटना की जानकारी मिली मौके पर पुलिस पहुंचती है और दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं मुरैना में बीजेपी विधायक के भतीजे सहित 8 से 10 लोगों पर एफआईआर। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिकायत पर सभी पर अपहरण का केस दर्ज हुआ है। अपहरण करने और बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया था। पिछले 3 दिन से कार्रवाई की मांग को लेकर यहां पर धरना दिया जा रहा था। अब जौरा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पहाड़गढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं विनोद दुबे। जौरा से बीजेपी विधायक सुबेदार सिंह रजोथा के भतीजे मुलायम सिंह पर मामला दर्ज हुआ है। छतरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है। अतिक्रमण पर चला है मामा का बुलडोजर। कलेक्टर के बंगले के पास कब्जा किया हुआ था। बेशकीमती जमीन पर गुमटियां रखकर कब्जा किया हुआ था। सीएसपी के साथ भारी पुलिस बल मौके पर, नगर पालिका की टीम भी मौके पर तैनात। सिविल लाइन थाना इलाके में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो गुमटियां रखकर यहां पर कब्जा किया हुआ था, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, नगर पालिका की टीम भी मौके पर मौजूद है। छतरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रही है। कलेक्टर के बंगले के पास किए हुए कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर की है। सीएसपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, नगर पालिका की टीम भी मौके पर तैनात रही। ये आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर ये पीले पंजे की कार्रवाई हुई है। मशीन चली है यहां पर और ये अतिक्रमण को हटाने के लिए जेसीबी को यहां बुलाया गया था और जेसीबी के साथ यहां पर एक्शन हुआ है इस एनक्रोचमेंट को यहां से हटाने के लिए। कोई हंगामा ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, ऐसे में यहां बड़े अधिकारी पहुंचे, भारी पुलिस बल पहुंचा, नगर पालिका की टीम मौके पर मौजूद रही और उसके बाद ये कार्रवाई यहां पर की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आवेश खान रजत पाटीदार जाएंगे साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के दौरे के लिए टीम इंडिया में इन्हें शामिल कर लिया गया है। वनडे टीम में शामिल हुए हैं आवेश खान, रजत पाटीदार
दोनों ही खिलाड़ियों के सिलेक्ट होने पर परिवार वाले बेहद खुश हैं और साथ ही क्रिकेटर्स ने भी बधाई दी है। ऑस्ट्रेलिया से 3 मैचों की वनडे सीरीज है, इसमें आवेश खान और रजत पाटीदार को चुना गया है साउथ अफ्रीका दौरे के लिए। टीम इंडिया में शामिल हैं ये दोनों ही खिलाड़ी। बड़ी खबर आपको बता रही है, टीम इंडिया में सिलेक्शन होने पर जो परिवार वाले हैं दोनों ही खिलाड़ियों के, वो बेहद खुश हैं और साथ ही जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी इस मौके के लिए दोनों ही प्लेयर्स को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। इस दौरे के लिए वनडे टीम में इनका चयन हुआ है। तमाम खिलाड़ियों के नाम आपकी स्क्रीन पर, रजत पाटीदार और आवेश खान भी इस लिस्ट में शामिल हैं। और अब सीधा रुख करते हैं निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। एक विधानसभा क्षेत्र की गणना के लिए, लेकिन हमारी कुछ विधानसभा ऐसी हैं जिनमें मतदान केंद्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसको देखते हुए कई विधानसभा क्षेत्रों में 14 से ज़्यादा टेबल हम लोगों ने आयोग से अनुमति लेकर के वो लगाई है, ताकि जो परिणाम है वो हमें थोड़ी शीघ्रता से प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिए जैसे सिवनी में लखना दौन है जहाँ सबसे ज़्यादा मतदान केंद्र हैं, वहाँ पर 407 मतदान केंद्र हैं, तो यदि 14 टेबल सामान्य प्रक्रिया के तहत 14 टेबल से आप काउंटिंग करते हैं तो काफ़ी वक्त लगता है, तो वहाँ हम लोग 21 टेबल लगाएंगे। तो इस तरह से कई सारी विधानसभाएं हैं जहाँ पे 21 टेबल, कहीं पे 18, कहीं 16, कहीं 20, इसके माध्यम से कर रहे हैं। और अनुमान है कि पिछले वर्ष की तुलना में यदि काउंटिंग निर्बाध चली, कोई व्यवधान नहीं आया, तो मेरा जो अनुमान है उसमें पहले करीब 5.5 घंटे मान लीजिए, पहले 5 घंटे से लेकर के अंतिम में आप 10 घंटे मान लीजिए, तो 5 से 10 घंटे के बीच में पूरी 230 विधानसभा क्षेत्रों के परिणाम हमको प्राप्त हो जाएंगे। 5 घंटे में इसलिए कह रहा हूँ, जैसे सबसे पहले जैसे दतिया में भांडेर है, तो भांडेर में 229 मतदान केंद्र हैं, 229 मतदान केंद्रों के लिए वहाँ हम 18 टेबल लगा रहे हैं, तो 18 टेबल यदि लगा रहे हैं तो जो काउंटिंग का जो राउंड होता है वो 13 राउंड में वो काउंटिंग खत्म हो जाएगी। तो 13 राउंड में अगर काउंटिंग खत्म होती है तो हमारा अनुमान है कि 4.5 से 5 घंटे में वो क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली सेवड़ा में 221 मतदान केंद्र हैं, वहाँ 20 टेबल लगा रहे हैं, तो वहाँ भी अनुमान है कि 4.5 घंटे 5 घंटे में हो जाएगा यदि काउंटिंग सीधी चलती रहती है। तो ये प्रयास है कि अधिक टेबल्स की संख्या जहाँ पे स्थान उपलब्ध रहा है और जहाँ पे कैंडिडेट्स ज़्यादा रहे हैं वो भी ध्यान रखा गया, ज़्यादा कैंडिडेट में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है मशीन को बार बार ये करने में, तो इसलिए टेबल्स की संख्या भी बढ़ाई गई है कई जगहों पे। मतगणना जो है वो 8 बजे शुरू होगी, आपको पता है, आपकी जानकारी में है, पहले भी हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से बता चुके हैं। स्टार्ट करेंगे पोस्टल बैलेट से जैसे आयोग के निर्देश हैं, आधे घंटे के बाद जो वोटिंग मशीन है उनके माध्यम से गिनती शुरू होती है। पहले ये व्यवस्था होती थी कि यदि पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं हुई है तो ईवीएम की गिनती का आखिरी राउंड रोकते थे और पहले पोस्टल बैलेट ख़त्म करते थे। अब वर्तमान व्यवस्था ये है कि दोनों गतिविधियां इंडिपेंडेंट हैं, पोस्टल बैलेट की गिनती अलग है, वो अलग एआरओ के टेबल्स पे चलेगी, उसकी संख्या भी हम लोगों ने बढ़ाई, मैं आपको बताऊंगा, और ईवीएम की गिनती अलग चलेगी जो जब ख़त्म होगा। एंड नेचुरली पोस्टल बैलेट पहले ख़त्म होगा क्योंकि पोस्टल बैलेट की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, तो पोस्टल बैलेट जैसे समाप्त होगा वैसे पोस्टल बैलेट के परिणामों की घोषणा की जाएगी। ऐसा नहीं है कि पोस्टल बैलेट के रिजल्ट्स को रोक करके रखा जाएगा, जैसे किसी विधानसभा क्षेत्र के पोस्टल बैलेट की गिनती समाप्त होती है आरओ द्वारा उसकी घोषणा की जाएगी। ईवीएम के जो मशीन्स हैं उनकी घोषणा राउंड वाइज होती है, यदि उस विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल है तो जैसे उन 14 टेबल की गिनती पूरी हो जाती है, उसका टोटल वगैरह बन जाता है, तो प्रत्येक राउंड पे उसकी घोषणा होती है और उस राउंड की जो कॉपी बनती है वो जो कैंडिडेट अगर उस हॉल में होते हैं तो कैंडिडेट को दी जाती है, कैंडिडेट नहीं होते हैं तो उनके जो इलेक्शन एजेंट हैं उनको दी जाती है। इसी तरह से जो टेबल्स हैं, जिस टेबल पे ईवीएम मशीन की गिनती हो रही है उस टेबल के लिए जो कैंडिडेट के एजेंट होते हैं, तो हर मशीन की गिनती के बाद उस मशीन में किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं वो भी
एजेंटों को दिया जाएगा, उसकी फोटोकॉपी कराएंगे और एजेंट्स को दी जाएगी कि किसी मशीन में ए कैंडिडेट को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। कहने का मतलब कि पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से हर राउंड की भी जानकारी और हर टेबल की जानकारी भी एजेंट्स को और कैंडिडेट को होगी, ये उन सभी को दी जाएगी। जो काउंटिंग में जो स्टाफ लगता है उनका 3 बार रैंडमाइजेशन होता है, तो फर्स्ट रैंडमाइजेशन हो चुका है, सेकेंड रैंडमाइजेशन 24 घंटे पहले होता है। सेकेंड रैंडमाइजेशन में ये किया जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस विधानसभा की काउंटिंग करेगा, और जो थर्ड रैंडमाइजेशन होता है जो 3 तारीख की सुबह 6 बजे 5 बजे होगा, 6 बजे नहीं 5 बजे होगा, ये ऑब्जर्वर की उपस्थिति में होगा। तो थर्ड रैंडमाइजेशन में ये पता चलता है कि उस विधानसभा में वो व्यक्ति कौन सी टेबल पे बैठेगा। मतलब कहने का आशय यह है कि 3 तारीख की सुबह 5 बजे तक किसी को पता नहीं है कि वो किस टेबल पे काउंटिंग कर रहा है। हर टेबल पे काउंटिंग सुपरवाइजर्स होते हैं, काउंटिंग असिस्टेंट होते हैं, और इनके अतिरिक्त एक माइक्रो ऑब्जर्वर होता है। जो माइक्रो ऑब्जर्वर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, वो राज्य सरकार का एम्प्लॉय नहीं होता। तो एक तरह से हर टेबल पे 4 लोग होते हैं और दूसरी तरफ जितने कैंडिडेट हैं उनके एजेंट होते हैं। हर विधानसभा के लिए एक ऑब्जर्वर है जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त है, जो दूसरे प्रांतों के वरिष्ठ सीनियर अधिकारी होते हैं। 230 विधानसभा क्षेत्र के लिए 230 ऑब्जर्वर अपने यहाँ नियुक्त हैं। जो सर्विस वोटर होते हैं, जिनको हम ETPVS कहते हैं, आखिरी मतगणना शुरू होने के दिन मतलब 3 तारीख को 8 बजे तक जो उनके प्राप्त होते हैं मत डाक से, उनको हम लोग काउंट करते हैं, उनको लिया जाता है। तो इसके लिए डाकघर के साथ समन्वय करके और जो पोस्टमैन वगैरह को अतिरिक्त पास जारी किए गए हैं कि देर रात तक भी जो डाक मतपत्र सर्विस वोटर के, डाक मतपत्र का मतलब कर्मचारी वाला और ये नहीं है, सिर्फ जो सेना में हमारे लोग हैं जो सर्विस वोटर्स हैं उनके मतपत्र अगर देर रात जब भी प्राप्त होते हैं 8 बजे के पहले, उनका पोस्टमैन आसानी से काउंटिंग सेंटर तक आ सके, उसको कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए डाक विभाग से समन्वय करके उनको पासेज जारी किए गए हैं ताकि वो 8 बजे के पहले यदि कोई उनको प्राप्त हुआ है तो ला करके मतगणना स्थल पे दे सकें ताकि उसको काउंटिंग में हम रख सकें। मीडिया के साथियों के लिए मतदान केंद्र पे मीडिया सेंटर बनाया गया है जहाँ पे टेलीफोन, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि की व्यवस्था रहेगी। आयोग द्वारा जो हम लोगों ने कहा है और इंतजामों की यहाँ पर जानकारी दे रहे थे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप जुड़े रहिए।